अच्छा जी, उसके बाद है डिकोडर, जो मैंने आपके सामने टॉपिक लिखा है, डिकोडर का ये एक टॉपिक है जिसमें है बीसीडी डिजाइन, बीसीडी टू सेवन सेगमेंट डिकोडर। ये बेसिकली बुक की एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज में शायद है ये बीसीडी टू सेवन सेगमेंट डिकोडर है क्या बेसिकली। उसमें कहा यह गया है कि एक ऐसा डिकोडर बनाए जो डेसिमल नंबर्स को प्रिंट करे। यहां पे हमारे पास ये 7 ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो जिस तरह आपने देखा होगा कि फंक्शंस के ऊपर लाइट्स जल रही होती हैं एक, और डिफरेंट नंबर्स और डिफरेंट नाम्स जो हैं वो नेम्स जो हैं वो प्रिंट कर रही होती हैं, एक के बाद एक प्रिंट हो रहा होता है। तो ये इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट है बीसीडी टू सेवन सेगमेंट डिकोडर। और उसके अंदर हमारे पास इनपुट है बीसीडी, तो हमने बीसीडी का 0 से लेकर 9 तक का ट्रुथ टेबल बना लिया। आउटपुट है, आउटपुट क्या है कि जब टेट्रा 0 अप्लाई हो तो 0 प्रिंट हो, जब 0001 अप्लाई हो तो ये 1 का कोड है तो 1 प्रिंट हो, जब 0010 अप्लाई हो तो 2 प्रिंट हो, जब 0011 प्रिंट अप्लाई हो, 3 अप्लाई हो तो 3 प्रिंट हो। तो इस तरह आपने 9 तक वैल्यूज जो है उनको प्रिंट करना है। तो हम इसके ट्रुथ टेबल को कंप्लीट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 0 में आ जाएंगे। 0 कैसे प्रिंट होगा, इस डायग्राम के ऊपर आ जाएंगे। अगर जी को ऑफ कर दिया जाए, सिर्फ अगर इस जी को ऑफ कर दिया जाए, बाकी ए बी सी डी ई एफ ऑन हो, तो आपका अगर ये लाइट्स हैं, स्मार्ट लाइट्स हैं, एलईडीज हैं, और उसके अंदर सिर्फ जी ऑफ हो जाए, तो फिर ये क्या वैल्यू बन जाएगी, 0। तो इसका मतलब है कि जब टेट्रा 0 अप्लाई होगा तो ये बाकी सारी ऑन होंगी और जी 0 हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह जब हमने 1 प्रिंट करना है तो 1 कैसे होगा, बी और सी सिर्फ ऑन कर सकते हैं आप, बी और सी को हम ऑन कर दें और बाकी सारी 0 हो जाएं, तो ये आपका 1 प्रिंट हो जाएगा। 2 के लिए अगर आप देखें, ये 2 की शेप है, ये वाली ऑफ कर दें और ये वाली ऑफ कर दें, कौन सी, एफ और सी। एफ और सी जो है हमारे पास, सी ये है, ये ऑफ हो जाए और एफ ऑफ हो जाए, बाकी सारी ऑन हो जाए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू, 2 प्रिंट हो जाएगी। इस तरह 3 के लिए ये वाली ऑफ कर दें और ये वाली ऑफ कर दें, कौन सी, ई और एफ, बाकी सारी ऑन, ई ऑफ एफ ऑफ जी ऑन, ठीक है। इस तरह 4 प्रिंट करना है तो एक ये ए ऑफ हो गया, दूसरा डी ऑफ हो गया और तीसरा ई ऑफ हो गया, ए डी और ई ऑफ हो गया 4 के लिए, ए ऑफ डी ऑफ ई ऑफ बाकी सारी ऑन हो गई, तो ये हमारा डी प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह आप नेक्स्ट बात करेंगे 5 की, तो 5 के लिए आपके पास ये वाला ऑफ और ये वाला ऑफ, क्या वैल्यू बन रही है, बी ऑफ कर दिया और ई ऑफ कर दिया, बी ऑफ और ई ऑफ बाकी सारी ऑन हो गई, तो ये हमारा हो जाएगा 5। इसी तरह 6 के लिए सिर्फ और सिर्फ बी ऑफ है, इसी तरह 7 के लिए आपके पास ए बी सी ऑन है बाकी सारे ऑफ हैं, ए बी सी और बाकी हमने सारे ऑफ कर दिए। 8 के लिए सारी वैल्यूज ऑन होंगी तो फिर 8 होगा, ये हमने कर दिया। और 9 के लिए क्या होगा, आपके पास सिर्फ ई ऑफ हो जाएगा, इसके अंदर आप देखें सिर्फ ई ऑफ हो जाएगा, तो आपके पास ये 9 प्रिंट हो जाएगा, बी सी डी ई ऑफ और बाकी ऑन। तो ये आपने बीसीडी टू सेवन सेगमेंट डिकोडर का हमने ट्रुथ टेबल बना लिया। अब आता है कि हमने इसका लॉजिक सर्किट बनाना है, क्योंकि डिजाइन प्रोसीजर का पहला स्टेप है कि इनपुट से वैल्यूएट करें कितनी है, नंबर ऑफ इनपुट लाइंस, तो वो थी बीसीडी, हमारे पास 4 इनपुट लाइंस थी, नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस जो है वो उनको आइडेंटिफाई करें कितनी होनी चाहिए, तो हमने कहा 7 आउटपुट लाइंस होंगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हिंट में गिवन है 7 आउटपुट लाइंस। और उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि इनपुट से आउटपुट बनाना, तो हमने इनपुट से आउटपुट बनाया इस लॉजिक को यूज करते हुए, कि 0 प्रिंट करना था तो हमने कहा सिर्फ जी को ऑफ कर दें, इस तरह ये हमने ट्रुथ टेबल कंप्लीट कर लिया। लेकिन अगला क्वेश्चन है कि इस ट्रुथ टेबल से बुलियन फंक्शन बनाना, तो बुलियन फंक्शन कैसे बनाया जाएगा, हमारे पास 4 इनपुट लाइंस हैं, 7 आउटपुट लाइंस हैं, हर आउटपुट लाइन का अलग-अलग बुलियन फंक्शन बनेगा,
ठीक है, तो हमारे पास इसके अंदर हम मैप मेथड यूज करेंगे बुलियन फंक्शन लेने के लिए। कितने वेरिएबल का मैप यूज होगा, इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इनपुट लाइंस। इनपुट लाइंस हमारे पास डब्ल्यू एक्स वाई जेड और फोर इनपुट लाइंस है, और फोर वेरिएबल मैप यूज होगा। तो हम ए के लिए भी मैप बनाएंगे, बी के लिए भी, सी के लिए भी, डी के लिए भी, ई के लिए, एफ और जी, तो सेवन फोर वेरिएबल मैप्स बनेंगे। तो हम सबसे पहले बनाते हैं ए का फंक्शन फोर वेरिएबल मैप में। अच्छा, अब ए का हमने फंक्शन है उसको हमने मैप के अंदर मैप करना है, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ए के अंदर ऑन स्टेट्स कौन सी। अच्छा, एक और चीज, चूंकि आपके पास इनपुट बीसीडी है और 1001 तक है, ठीक है, 9 तक है, तो 9 से ऑनवर्ड बॉक्सेस बाय डिफॉल्ट डोंट केयर बॉक्सेस हो जाएंगे, ये हो गए, ठीक है। अब ए के कॉलम में हमने आ जाना है, ए के कॉलम में नंबर ऑफ ऑन स्टेट्स कहां पे है, ज्यादा ऑन स्टेट्स नहीं है तो आप नंबर ऑफ ऑफ स्टेट्स काउंट कर लें, 1 ऑफ है, 4 ऑफ है, दो ही ऑफ स्टेट्स हैं, एक 1 है और एक 4 है, बाकी सारी ऑन है, 0 भी ऑन, 3 भी ऑन, 2 भी ऑन, 5 भी ऑन, 7 भी ऑन, 6 भी ऑन, 8 भी और 9 भी ऑन, 1 भी ऑफ है और 4 भी ऑफ है, 1 भी ऑफ और 4 भी ऑफ, ठीक है। अब आप इसका पेयर इसको सॉल्व कर लेना है, 8 का पेयर बन गया, एक 8 का पेयर ये बन गया, एक ये 4 का पेयर बन गया, ठीक है, और इसके लिए आप ये बना सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास इसका फंक्शन, अब मैं इसको जरा यहां से मिटा दूं क्योंकि हमारे पास जगह कम है। हमारे पास एक 8 का पेयर ये बन गया, एक ये 8 पेयर के बन गया, एक ये 4 का पेयर बन गया और एक ये 2 का ओवरलैपिंग पेयर हमारे पास बन गया। तो अगर मैं इस पेयर को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, ये फंक्शन हम किसका बना रहे हैं, ए का, ए इज इक्वल टू डब्ल्यू, इस पेयर को सॉल्व करेंगे तो, प्लस इस पेयर को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, वाई, इस तरह इस 4 के पेयर को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x, z, प्लस इस 2 के पेयर को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा w कॉम्प्लीमेंट, x कॉम्प्लीमेंट और z कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरह हम दूसरा मैप बनाएंगे, इसको हम मिटा देते हैं। अब किसके लिए हमने बनाना है, b के फंक्शन के लिए। तो b के लिए कैसे बनाएंगे, ठीक होगा जी, इसी तरह 9 से ऑनवर्ड बॉक्सेस जो हैं वो डोंट केयर बॉक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब बी के कॉलम में हमें देखनी है नंबर ऑफ ऑन स्टेट्स, तो ऑन स्टेट्स ज्यादा हम ऑफ स्टेट्स काउंट कर लेते हैं, दो हैं हमारे पास, 5 और 6, दो ऑफ स्टेट्स हैं, बाकी 0 से लेकर 9 तक सारी ऑन है, मींस ये वाली और ये वाली ऑफ है, बाकी सारी ऑन है, ठीक हो गया जी। तो 5 और 6 को हमने ऑफ कर दिया, ये 8 का पेयर, एक ये ओवरलैपिंग पेयर 8 का, और एक हमारे पास इस 1 के लिए ये 4 का पेयर, अब ये रह गया, और एक ये 4 का पेयर। तो हमारे पास 4 पेयर बने, दो ओवरलैपिंग पेयर, एक ओवरलैपिंग पेयर बना 8 का, एक वैसे 8 का पेयर बना, एक 4 का बना और फिर यहां पे भी एक 4 का बना। तो हमारा बी के फंक्शन को हम लिखेंगे, बी इज इक्वल टू इस 8 के पेयर को सॉल्व करेंगे तो फिर अगेन डब्ल्यू, प्लस इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसी तरह जब आप इस 4 के पेयर को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई कॉम्प्लीमेंट, जेड कॉम्प्लीमेंट, इस 4 पेयर को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई सेट, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया बी का। इसी तरह सी का फंक्शन बनाएंगे आप,
एक फोर वेरिएबल मैप और बनाया आपने, ठीक हो गया जी, ये डोंट केयर बॉक्सेस आ गए। अब सी के कॉलम में आपने नंबर ऑफ ऑन स्टेट्स, एक ही ऑफ स्टेट है और वो है टू की, ये वाली, बाकी सारी ऑन है, 0, 1, 3, 4, 5, 7, 6, 8 और 9। तो अब आप इसको बड़ा सिंपल है, एक ही आठ का बन गया, एक ही आठ का बन गया और ये आठ का बन गया और इस वन के लिए आपने ये भी आठ, तो चार पेयर हमने बनाए चारों एट बॉक्सेस के। तो C इज इक्वल टू इसको करेंगे W, इसको करेंगे X और ये वाला आठ के पेयर को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Y कॉम्प्लीमेंट और इस आठ के पेयर को हम सॉल्व करेंगे इस वाले का तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Z। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा C का। उसके बाद आप D के लिए बनाएंगे तो D के लिए हम एक और फोर वेरिएबल मैप बनाएंगे, अब D के कॉलम में नंबर ऑफ ऑफ स्टेट्स देख लें, 1 पे ऑफ है, 2, 3 ऑन है, 4 पे ऑफ है, 5, 6 ऑन है और 7 पे, 1, 4 और 7, 1, 4 और 7, बाकी सारी ऑन है। ठीक है जी, अब इसमें आप देखें ये 8 का बन गया, ये 4 का बन गया, इस 1 के लिए आप ये वाला और ये वाला बना सकते हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग, और इसका बना दें या इसका, और चलिए इसका भी बना देते हैं, एक और ऑप्शन भी इसका और इसका भी ओवरलैपिंग बन सकता है, इसी तरह इसका एक दो का पेयर बनता है। तो हमारे पास इसके अंदर एक एट बॉक्सेस का पेयर बना, दो फोर बॉक्सेस के पेयर बने और दो टू बॉक्सेस के पेयर बने। तो हम डी के फंक्शन को कैसे लिखेंगे, डी इज इक्वल टू 8 के पेयर में हमारे पास आंसर आ जाएगा W प्लस इस 4 के पेयर में हमारे पास आंसर आ जाएगा YZ कॉम्प्लीमेंट प्लस और 4 का है इन दो बॉक्सेस का और इन दो का ओवरलैपिंग पेयर है तो इसके पास हमारा आंसर आ जाएगा X कॉम्प्लीमेंट और Y, X कॉम्प्लीमेंट Y आ जाएगा, ठीक है। और अब हमारे पास रह गया 4 का भी हो गए दोनों, अब हमारे पास एक 2 का ये रह गया और एक इसका और इसका रह गया, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस बॉक्स को पेयर को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी X Y कॉम्प्लीमेंट Z और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी W कॉम्प्लीमेंट X कॉम्प्लीमेंट Y। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया B का। उसके बाद आ जाएगा E का फंक्शन, उसके लिए हम एक और फोर वेरिएबल मैप बनाएंगे, ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास हम E का फंक्शन बना रहे हैं, E में नंबर ऑफ ऑन स्टेट्स कहां पे है, 0 पे ऑन है, 1 ऑफ है, 2 पे ऑन है, उसके बाद 3 ऑफ, 4 ऑफ, 5 ऑफ, 6 पे ऑन है, 7 ऑफ और 8 पे ऑन है, तो 4 ऑन स्टेट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4। अच्छा, अब इसका आपने जब पेयर बनाना है तो वो कैसे बनेगा, एक तो ये 4 का बन गया, ठीक है। अब यहां पे आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप इसका और इसका ओवरलैपिंग पेयर 2 का भी बना सकते हैं
लेकिन आप एक और भी ऑप्शन कर सकते हैं, इसका और इसका और फोर का पेयर भी आप बना सकते हैं। तुम्हारे पास बड़े पेयर के ऑप्शन है, तो ये पेयर भी ठीक है हमारा, इन दो का और इन दो का ओवरलैपिंग पेयर बन सकता है, क्योंकि आप मैप को फोल्ड करेंगे ना तो ये चारों बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, तो इन चार बॉक्सेस का भी आप पेयर बना सकते हैं। तो आपके पास अब नेक्स्ट फंक्शन आ गया जी ई का, उसको कैसे लिखेंगे, ई इज इक्वल टू पहले चार के पेयर को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा वाई जेड कंप्लीमेंट सॉरी प्लस, इस चार के पेयर को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स कंप्लीमेंट और ऊपर से वैल्यू हमारे पास आएगी जेड कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ई का आंसर। अब हमारे पास एफ और जी रह गया, तो हम एफ के लिए मैप बनाएंगे, तो जब एफ के लिए बनाएंगे फोर वेरिएबल मैप, ठीक हो गया जी। अब हम इसमें एफ में ऑन स्टेट्स देख लेते हैं, जीरो पे ऑन है, 1, 2, 3 ऑफ है, 4 और 5 पे ऑन है, 6 पे भी ऑन है और 6 के बाद 7 ऑफ है और 8 और 9 ऑन है। कितनी ऑन स्टेट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक हो गया जी। तो आप ये 8 का पेयर एक बन गया, इसी तरह ये 4 का पेयर बन गया, इस तरह ये 4 का पेयर बन गया और ये बॉक्स रह गया है, तो आप इसका और इसका भी ओवरलैपिंग पेयर बना लें। ठीक है जी, हमारे पास एफ का फंक्शन क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू 8 के पेयर को सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा प्लस इस 4 के पेयर को सॉल्व करेंगे कॉलम वाइज जो है तो वाई कंप्लीमेंट जेड कंप्लीमेंट आंसर आ जाएगा प्लस इस 4 के पेयर को सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा एक्स y कंप्लीमेंट प्लस एक ही 4 का पेयर रह गया ये दो और ये दो वाला, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा x z कंप्लीमेंट। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा किसका, f का। एक मैप हमें और बनाना पड़ेगा फॉर द फंक्शन ऑफ g, तो g के लिए हम मैप बनाएंगे, अब जी के अंदर ऑन स्टेट ऑफ स्टेट हमारे पास 0, 1 ऑफ है, 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 7 ऑफ और 8, 9 ऑन, 0, 1 और 7 0, 1 और 7 ठीक हो गया जी। ये 8 का, ये 4 का, ये 4 का बन गया, इनका ये 4। तो हमारे पास g का फंक्शन आ गया, इतनी मैं लिख देता हूं, g इज इक्वल टू 8 के फंक्शन में अगेन w प्लस इस 4 को हम करेंगे तो आ जाएगा x y कंप्लीमेंट प्लस इस 4 को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, बल्कि इस, हाँ ओके, इस 4 को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y z कंप्लीमेंट प्लस इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x कंप्लीमेंट y। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फंक्शन आ गया 7 के 7, 7 के 7 आउटपुट्स का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हमने इसको लॉजिक सर्किट में अब इसको कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली मुझे यहां से अब बोर्ड जो है उसको रब करना पड़ेगा सारा,
डब्ल्यू एक्स वाई जी इस तरह से बना लेते हैं, तो हमारे लिए जरा आसान हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले ए का फंक्शन देखना है, ए में आ गया डब्ल्यू यहां से, दूसरा आ गया वाई यहां से, तीसरा एक्स और जेड का एंड गेट है यहां से एक्स और यहां से जेड में एंड गेट लग गया, दूसरा डब्ल्यू कंप्लीमेंट ये वाला एक्स कंप्लीमेंट एंड द जेड कंप्लीमेंट, इसके दरमियान एंड गेट है, और फिर इन चारों आउटपुट्स के दरमियान और गेट है, तो ये आएगा ए। इसी तरह आपने बी को लेना है, तो b का फंक्शन है w, उसके बाद है x कंप्लीमेंट, x कंप्लीमेंट वाली लाइन आफ्टर इन्वर्टर आ गई, उसके बाद है y कंप्लीमेंट z और yz, y कंप्लीमेंट z कंप्लीमेंट y। अगर आप इसको फंक्शन को देखें तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये एक्सक्लूसिव NOR का फंक्शन बनता है, तो इसको हम y एक्सक्लूसिव नॉर z कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं इसको ताकि शॉर्ट करने के लिए हमारा गेट जो है वो शॉर्ट हो जाए, हम y और z में एक्सक्लूसिव नॉर गेट हम लगा देते हैं, और फिर हम चूंकि एडिशन भी है तो ये w और x कंप्लीमेंट की जो आउटपुट्स हैं इनको साथ मिला के इसके आउटपुट साथ मिला के हम इसको और गेट भी लाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी की। इसी तरह सी को आप कनेक्ट करेंगे, फिर डी जी, तो इसी के साथ आप इसी तरह से इसको ऐड करते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप कि बाकी लॉजिक सर्किट जो है आप उसको कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन बेसिक प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया कि किसी भी कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। जैसे हमारे पास जो सिनेरियो था वो था बी सी डी टू सेवन सेगमेंट डिकोडर डिज़ाइन करें, और बस बी सी डी इनपुट्स थी, आउटपुट सेवन सेगमेंट था, हमने उसमें वैल्यूज प्रिंट करनी थी जीरो से लेके नाइन तक, डेसिमल डिजिट्स को प्रिंट करना था, उसका हमने ट्रुथ टेबल बनाया, ट्रुथ टेबल से हमने फिर उसको बूलियन फंक्शन के लिए मैप मेथड को यूज़ करते हुए सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन लिया, और जो इसमें हिंट मैंने आपको दिया वो ये कि जितनी नंबर ऑफ इनपुट वैल्यूज होगी उतनी वैल्यूज का मैप बनेगा, और कितने मैप्स बनेंगे जितनी नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस होंगी। तुम्हारे पास आउटपुट लाइंस थी ए से लेके जी तक, ए बी सी डी ई एफ जी, तो सेवन फोर वेरिएबल मैप यूज हुए बिकॉज इनपुट बी सी डी थी, और बी सी डी फोर बिट कोड होता है इसलिए फोर वेरिएबल मैप हमने यूज किया। तो सेवन मैप को यूज करते हुए हमने ये सारे बूलियन फंक्शन सिंप्लीफाइड निकाल दिए, और उनको इस फॉर्म में आप लॉजिक सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस लॉजिक सर्किट में जब भी आप वैल्यूज रन करेंगे, अगर आप डाटा जीरो रन करेंगे तो आप इसको देखेंगे कि वो जीरो प्रिंट करेगा, वही आउटपुट देगा। अगर टेट्रा जीरो अप्लाई करेंगे तो वही आउटपुट देगा ए से लेके एफ तक की, जी तक की, जो ट्रुथ टेबल में मौजूद है। ठीक है, तो ये लॉजिक सर्किट क्या काम करेगा, ये जीरो से लेके, ये ऐसा डिकोडर हमने बना लिया जो जीरो से लेके नाइन तक या डेसिमल नंबर्स को प्रिंट करेगा। तो थैंक यू वेरी मच, आपको आई होप कि समझ आ गया होगा, और इसको मजीद आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, और अगर फिर भी कोई क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में या क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।